Assalamualaikum, welcome back to OSEI Vocabulary Channel. आज के इस लेसन में हम आपको सिखाने जा रहे हैं रोजाना बोलचाल के लिए इंग्लिश फिक्रात का पहला हिस्सा। अगर आपको इस लेसन का PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए जल्दी से कर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही करें बेल आइकन पर क्लिक ताकि हर नया आने वाला लेसन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेसन ऑन सेंटेंसेस फॉर डेली यूज पार्ट 1। जैसे आपकी मर्जी, एज यू लाइक। जैसे आपकी मर्जी के लिए हम एक और सेंटेंस यूज कर सकते हैं एज यू प्लीज। के लिए एक और सेंटेंस इस्तेमाल होता है एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी एज यू विश। सब्र से काम लो, बी पेशेंट। तैयार रहें, बी रेडी। इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं बी प्रिपेयर्ड। अगर हम किसी को कहना चाहते हो कि गुस्सा नहीं करें तो हम कहेंगे डोंट बी एंग्री। अगर हम किसी बच्चे या बड़े को कहना चाहते हो कि डरो मत तो हम उसे कहेंगे डोंट बी स्केयर्ड। अगर हम किसी को कहना चाहते हो कि हिचकिचाओ मत तो हम कहेंगे डोंट हेजिटेट। अगर आप किसी की फजूल गोई को रोकना चाहते हो और कहना चाहते हो कि फजूल बात मत करो, आप कहेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस। क्या कभी कराची जाना हुआ? Have you ever been to Karachi? हम कराची की जगह किसी और शहर या मुल्क का नाम लगा के भी पूछ सकते हैं। Have you ever been to London? या फिर Have you ever been to Lahore? कभी सुना है इस बारे में? Have you ever heard about it? वो मुझसे सख्त नाराज है। He is furious with me. वो मेरा जिगरी दोस्त है। He is my fast friend. ये रहा, Here it is. या फिर ये लीजिए, Here it is. उसका रंग गंदमी है। His complexion is whitish. हम whitish की जगह कोई और रंग भी लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि his complexion is white या फिर his complexion is brown। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। I am glad to meet you. मुझे आप पर फख्र है। I am proud of you. मुझे ऐसा नहीं लगता। I don't think so. मेरे पास कुछ भी नहीं है। I have got nothing. अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता तो आप कह सकते हैं I have no idea. अगर आपके पास वक्त नहीं तो आप कह सकते हैं मेरे पास वक्त नहीं है। I have no time. मुझे तुम्हारी जरूरत है। I need you. मैंने कभी नहीं सुना। I never heard that. मुझे सोचना पड़ेगा। I'll have to think. बारिश होने का इम्कान है। It's likely to rain. मैं हूँ, it's me. ऐसा नहीं है। It's not like that. जाने दो, let it be. अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि बहुत दिन से देखा नहीं तो आप कह सकते हैं long time no see. कोई बात नहीं, never mind. अगर आप किसी को सख्त अल्फाज में इनकार करना चाहते हो तो आप कह सकते हैं
नहीं मतलब नहीं। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आराम से बैठिए, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। जरा साइड पे हो जाना, प्लीज मूव अ साइड, प्लीज मूव अ साइड। शर्म करो, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। लाइट जलाओ, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। अगर आपने लाइट बंद करने के लिए कहना हो तो आप कह सकते हैं स्विच ऑफ द लाइट। मुझे बताएं, टेल मी, टेल मी। ये तुम्हारा काम है, दिस इज योर जॉब, दिस इज योर जॉब। कहीं नजर ना लग जाए, टच वुड, टच वुड। अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि बाहर इंतजार करें तो आप कह सकते हैं वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड। क्या मुसीबत है जब आप किसी चीज से उकता जाएं तो आप उसके बारे में कमेंट करना चाहते हो कि क्या मुसीबत है, तो आप कह सकते हैं व्हाट अ बॉदर, व्हाट अ बॉदर। मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू। क्या मतलब है आपका, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। नाश्ते में क्या है, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। याद रखिएगा ये वर्ड ब्रेकफास्ट नहीं है, इट्स ब्रेकफास्ट। अगर आपसे कोई पूछे आज कौन सा दिन है तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट्स द डे टुडे, व्हाट्स द डे टुडे। इसका जवाब हम ऐसे दे सकते हैं आज इतवार है, इट्स संडे टुडे, इट्स संडे टुडे। संडे की जगह आप डे चेंज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज सोमवार है, इट्स मंडे टुडे, या फिर इट इज मंडे टुडे। वक्त क्या हुआ है, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम। कहाँ रह गए थे आप, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन। हम कहाँ थे, वेयर वर वी, वेयर वर वी। किसे परवाह है, हु केयर्स, हु केयर्स। कौन जाने, हु नोस, या फिर किसे पता, हु नोस। वहां कौन है, हुज देयर, हुज देयर। क्या आप चाय लेंगे, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम टी। आप गलती कर रहे हैं, यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, यू कैन गो। अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।